हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल तस्लीम डॉक्टर। ढेर सारा स्वागत है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सब? अच्छे हैं? एक तो पिछले दिन को ब्लॉग सुबह में एंड किए हैं, फिर से गुड मॉर्निंग कर रहे हैं क्योंकि तो दूसरा दिन का ब्लॉग है। और देखिए हॉल में बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, आलू छिल कर रखे हैं, इधर मटर छिल करके रखे हैं, जाएंगे आलू मटर की सब्जी बनाएंगे और चावल बनाएंगे। ये भी आ गई है, स्कूल से एग्ज़ाम चल रहा ना, क्या उसका एग्ज़ाम था? लिखी हो? लिखी है। लग रहा है कि बाहर में बैठे हैं तो कंगे भी कुछ किए नहीं, सुबह नहा कपड़ा चेंज करके नाश्ता करके बैठ गए और हो गया खाना बनाने का टाइम। तो चले हम खाना बना लें किचन में, दिखाते क्या बना रहे। तो क्या बोलते पता नहीं, सुनते कि यूट्यूब में निमोना बोलता है, क्या बोलते पता नहीं। सिर्फ सब्जी और चावल बनाएंगे और दाल बनाएंगे नहीं क्योंकि दाल है नहीं, चना दाल का फूल अच्छा नहीं लगता करता है। तो मसूर दाल ख़त्म हो चुका है तो भी लाएंगे शाम को, तो देखते हैं किस दिन सामान आएगा तो आएगा करेगा। मसूर दाल तो अच्छा लगता करता है गारा गारा, और चना दाल खाली अच्छा नहीं लगता खाने में चावल के साथ, और तड़का का ही अच्छा लगता है। तो चलिए किचन में दिखाते हैं क्या बना रहे हैं। और दिखा किचन में कढ़ाई चढ़ा दिए, इधर आलू उबाल के रख लिए कट करके, और इधर सबसे मटर, और इधर मटर को पीस दर दरा पीस लें, इधर ही मसाला रखे साथ बनेंगे। इधर चावल बन करके रेडी हो गया है और इधर दूध है। तो चलिए सारा सब समेटते हैं, बनाते हैं, कैसे क्या बनाते करते हैं दिखाते हैं। अभी आलू को फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर आलू फ्राई कर निकाल लेंगे, फिर मसाला डाल लेंगे। चलिए दिखाते हैं। बाल से इतना सारा बाल टूट रहा है कि क्या ही बोलेंगे। इधर से कढ़ाई में आलू डाल दिए हैं, थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और देखिए बच्चा लोग सुबह से न नहाया न धोया, टीवी देखने मगन, और ये घर में सोए हुए थे इसी घर से दिखाएंगे नहीं, तो नाइट ड्यूटी करके आए, आज दिन का ऑफ है, दिखाएंगे करेंगे नहीं। तो क्या थक जाती है स्कूल आते आते, और इसीलिए हमको क्या करें, कोई सांस ले लो तो हमको अकेले ही भीड़ना पड़ता है। और देखिए यहाँ पर सारा कुछ डाल दिए हैं, उसको अच्छे से भून लेते हैं। अभी थोड़ा सा मटर छिलकर रखेंगे, ऊपर से डाल देंगे। अभी मसाला भी धनिया और कुछ नहीं डाले, अभी लहसुन अदरक मिर्च ये पीस के डाले हैं बस, और कुछ डाले नहीं है। थोड़ा सा मसाला भून जा जाएगा, उसके बाद सूखा मसाला डालेंगे, देखते हैं कैसे लगता करता है। बनाए थे इस सीजन में कभी बनाए नहीं है, साल में एक बार दो बार बनाए, ये सीजन में कहीं बनाए नहीं। बहुत अखरता है इसीलिए इसमें मटर ज़्यादा लगता करता है, और तो मटर सब्जी मिलती रहता है, हमको मटर इतना पसंद है कि क्या है बोले, हर चीज़ में चावल भूजे उसमें मटर, चूरा भूजे उसमें डाल, आलू चोखा भूजे उसमें मटर, इतना मटर पसंद है कि क्या किया जाए। डॉक्टर लमार का लगा दे, डॉक्टर लमार का तो नहीं है, आप सोचते वैसे ही है, लेकिन मसाला धनिया था, धनिया डाल दे, हल्दी डाल देते हैं, धनिया पाउडर डाल देते हैं एक चम्मच, थोड़ा सा जीरा पाउडर, तीता तो बनाएंगे नहीं, का ये खाता नहीं है, थोड़ा सा गोलकी डाल देते हैं। ये सबसे फेवरेट मसाला है कश्मीरी, कश्मीरी लाल मिर्च जो कलर आता है, बड़ी मस्त लगता है। सबको दे करके अच्छे से भून देते हैं, उसके बाद डालेंगे नमक, अभी तो नमक नहीं डालेंगे, ताकि टमाटर डालें कि नहीं डालें ये तो हमको पता नहीं। नहीं टमाटर नहीं डाले के, फिर टमाटर गले भी नहीं थे और कच्चा कच्चा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। साथ में
डाल देते हैं नमक, एक मसाला तो भून जाएगा, सूखा मसाला साथ में भून जा जाएगा। कैसे हो रबर दिल लगा लिए क्लच कहीं भी नहीं किया है, उसका देखिए पूरा बाल कैसे झला बुझा हुआ है। तो डाल देते हैं नमक, नमक डेली मेरे साथ ही हमेशा कम हो जाता है, इनको हमेशा नमक लेकर खाना पड़ता है और हम तो खाते नहीं है, इनको हमेशा खाना पड़ता है। बस ये नमक का मतलब स्वाद अच्छा नहीं आता करता है। तो डाल देते हैं ये भी गोटा मसाला, ये रखे मटर डाल के गोट बिस्कुट, इसको भी डाल देते हैं सबको मसाला पूरा सटने लगा, मटर गीला गीला टाइप का हो गया, पूरा सूखने सटने लगा कढ़ाई में। बस पानी डाल देते हैं, लेकिन हरा हरा कलर तो आया ही नहीं है, देखिए लगता नहीं कि मटर है, मसाला भी लेकर ऐसे नहीं रहेगा कलर। कलर तो थोड़ा सा चेंज हो ही जाता है। थोड़ा सा हींग डाले हुए हैं, पता नहीं कैसा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन देखते हैं डालो तो हरा मटर में गैस बन जाता है। हींग का यूज करना चाहिए, हम तो कभी करते नहीं, वैसे ही रख करके फेंका गया था, लेकिन पेट उठ दर्द में बहुत काम का चीज है। तो पकने देते हैं और खाना ना खा लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा कहीं निकलेंगे और कहाँ निकलेंगे समझ में खुद नहीं आता करते, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। और हरा वाला बिंदी हम यूज कर रहे हैं क्योंकि सावर पर ला के रखा हुआ था, इसीलिए हरा बिंदी लगा रहे। और स्टोन वाला बिंदी मेरे बहुत पसंद है, प्लेन भी बहुत पसंद है, लेकिन सब जाएंगे सोचते कि ला कर स्टोन वाला ही बिंदी लगाएँ तो थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है और मन करा था सारे पानी के तो बाहर लिए, क्योंकि नाइटी पहन के ना वीडियो शूट नहीं हो, अच्छा नहीं लगता करता, सीरियस नाइटी है तो अच्छा नहीं लगता करता, सबको देखता करता है तो, और सब उतना ये होना भी नहीं चाहिए। तो और ये साड़ी पहन के हम वीडियो बनाए थे, फर्स्ट वीडियो हम डाले थे अरबी पत्ती की सब्जी, तो वो थोड़ा सा वायरल हुआ था, उसमें फर्स्ट बार पॉपुलर वो आया था ये वीडियो, ये साड़ी, इसीलिए साड़ी लकी साड़ी बोलते हैं। और ये साड़ी कहाँ से मिला है और किसने दिया है साड़ी आप कभी बताएंगे नहीं, बताएंगे कभी जब मौका आएगा तो। और साड़ी का प्राइस हमको कोई मतलब नहीं है, पहनने में कंफर्ट रहे बस वही ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ है। और पहन के थोड़ा सा यह है कि थोड़ा चल भी जाता है डेली यूज में, तो कलर अच्छा रहना चाहिए साड़ी का, और कुछ ये नहीं है। और प्राइस से कोई मतलब नहीं है मेरे को, 200 का भी ठीक है, 100 रुपया के भी ठीक है, लेकिन प्राइस से कोई मतलब नहीं है, अच्छा लगना चाहिए कोई चीज़। तो अभी देखें बर्तन भी इतना गंदा होता है कि क्या किया जाए। चलिए देखते हैं क्या हाल है जनाब का। डाल दिए पानी में सब डाल दिए, और इसमें थोड़ा सा उबलने देंगे, इसमें कुछ डालेंगे नहीं, कहीं कोई मसाला तो है ही नहीं, जो मसाला था पीस के डाल दिए। तो लहसुन ऐसा हो रहा है खराब आजकल की क्या बोले, पूरा कच्चा लहसुन आ पूरा काला काला हो जाता है, क्या किया जाएगा। तो उसी लिए थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, अगर होगा तो बनाएंगे, नहीं होगा तो फिर लाएंगे, तो नहीं अभी
आएंगे तो अभी 10 तारीख के बाद ही आएगा, क्या क्या अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाबू के एडमिशन बुक है, तो सब देख के चलना पड़ता है क्या किया जाए। कुछ काम होगा नहीं, जैसे वैसे चलाना, इस वक्त बहुत समस्या होने वाला है। तो फीका फीका लग रहा है, हल्दी डालना क्या सब्जी बन के हो गई रेडी, आप लोग बनाइए खाइए और इंजॉय करिए, और मिलते हैं कल नए वीडियो ब्लॉग में। साथ ओके, बाय, लव यू, टेक केयर।